दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन जो हो रहा है वर्ष 2021-22 के अंतर्गत, तो उसका जो हमें मतदान केंद्र पर किस तरह से पेंटर से लिखवाना है, क्या बैकग्राउंड रहेगा, हमें किस तरह से लिखवाना है पूरा, तो मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा और किस तरह से कुछ ग्राम पंचायतों ने हमारे यहाँ जो लिखवाया है तो वह भी आपको लाइव दिखाऊँगा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये हमें हर पोलिंग बूथ पर लिखवाना है, हर मतदान केंद्र पर लिखवाना है। तो क्या बैकग्राउंड रहेगा, किस तरह से लिखवाना है, वो हम देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको एक फिलअप वाला दिखा देता हूँ, ये वाला मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा पीडीएफ रूप में, तो आप आसानी से प्रिंट करकर अपने पेंटर को दे सकते हैं कि इस तरह से लिखवाना है। तो किस तरह से क्या क्या रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक पंचायत का मैं आपको पहले दिखाता हूँ, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन जी आपको सामने वाली दीवार पर लिखवाना है। तो त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 जनपद पंचायत, आपकी जो जनपद पंचायत है वह लिख लें, उसके बाद जिला लिख लें, मतदान केंद्र का विवरण, पूरा फॉर्मेट यही रहेगा दोस्तों, है ना। इसमें अब जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक, तो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक आप देख लें आपके यहाँ कौन सा है वो लिख लें, फिर उसके बाद जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक लिख लें, फिर ग्राम पंचायत का नाम, आपको पूरा ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, मतदान केंद्र क्रमांक एवं नाम, ये आपके मतदान केंद्र जो क्रमांक है उसका और जो नाम है, पहले क्रमांक फिर नाम, पूरा इस तरह से लिखना है। फिर मतदान केंद्र में सम्मिलित ग्रामों के नाम, मतदान केंद्र पर कितने ग्राम सम्मिलित हो रहे हैं, यदि एक ही गांव सम्मिलित हो रहा है तो एक गांव का नाम, मतदान केंद्र के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक, उस बूथ पर कितने जो है वार्ड क्रमांक वाले लोग मतदान करेंगे, तो उनके इस तरह से लिख दें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी वार्ड क्रमांक हो वो। फिर मतदान केंद्र के अंतर्गत मतदाताओं की संख्या कितनी है तो वो टोटल संख्या लिखना है, उसके बाद पुरुष कितने हैं उसमें, महिला कितनी है, यदि अन्य है तो वो, और कुल मतदाता, इन दोनों को जोड़कर कुल मतदाता, ठीक है। मतदान की तारीख एवं दिवस, जैसे हमारे यहाँ जो आया है 25/6/2022 को आया शनिवार को, तो वो तारीख लिख दी है, आपके यहाँ जो तारीख आई हो 25 जून या फिर 1 जुलाई या 7 जुलाई जो भी आई हो आप वो यहाँ पर लिख दें, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो 25/6/2022 आया तो वो लिख दिया, और दिन भी जरूर लिखना, दिवस शनिवार जैसे है। तो मतदान का समय प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, ये भी आपको साफ साफ लिखवाना है। इस तरह से मैंने एक दिखाया, ये फॉर्मेट भी आपको दिखा दिया मैंने, पूरा सेम वही फॉर्मेट है जो अभी ग्राम पंचायतें लिखा रही हैं, पूरा सेम यही का यही फॉर्मेट है, ये मैं आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसका दोस्तों और भी मैं पंचायत का इस तरह से दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर और देख सकते हैं किस किस तरह से पूरा लिखा गया, सेम प्रोसेस वही है। आपको बैकग्राउंड जो है ब्लैक रखना है और उसके ऊपर जो लिखना है वाइट जो पेंट से लिखना है, ये हर जगह इस तरह से लिखा है दोस्तों, ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट से आपको वाइट कलर पेंट से जो रहेगा आपको लिखवाना है ना, ये आपको मैं 2-3 एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से ब्लैक पूरा बैकग्राउंड है, भली जो आपकी बॉर्डर है वो आप नीले कलर से कर सकते हैं, पूरा बैकग्राउंड ब्लैक कलर का बैकग्राउंड रहेगा, उसके ऊपर वाइट कलर से आपको लिखवाना है ये सब, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल, और इस तरह से आपकी ऐसी बिल्डिंग रहती हैं ग्राम पंचायत भवन की, तो यहाँ जो बोर्ड है आप कहीं भी पर यहाँ इस तरह से लिखा सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो इस तरह से मैंने आपको कई एग्जांपल दिखा दिए कि आपको इस तरह से लिखवाना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार हर जानकारी से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए, आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।